अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नगर पालिका की श्रेणी में हमारे साथ मंच पर नगर निगम की श्रेणी में देवास से श्री विशाल सिंह जी, नगर पालिका की श्रेणी में सनारत को प्रथम पुरस्कार जाता है और इसके लिए मंच प्रति हितग्राही 50,000 रुपए के मान से 26,000 रुपए की राशि का वितरण किया जा रहा है। कुछ ही देर में हम देखेंगे संवाद की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे साथ कुछ हितग्राही भी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। 4,000 मिलेगा, 10वीं पास करके 11वीं में जाओगी तो 6,000 मिलेगा, 12वीं में जाओगी तो फिर 6,000 मिलेगा और कॉलेज में जाओगी तो कितने नहीं पता। 2,00,000 अंदाज तो बोल रही बेटी, 2,00,000 नहीं, जब तुम 12वीं पास करके कॉलेज में जाओगी तो मिलेगी 12,500 रुपया। आज के इस गरिमा कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित कौन सी योजना का लाभ मिला है? मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, आयुष्मान का लाभ मिला है सर, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, बीपीएल का लाभ मिला है, मुझे सारी सुविधा का लाभ मिला। और मेरी लाडली बहना का मिला है? लक्ष्मी का लाभ मिला है। अच्छा बेटी लाडली लक्ष्मी है, लाडली लक्ष्मी बैठी क्या बगल में? हाँ सर। 375 हितग्राहियों को भवन निर्माण लिंटल लेवल पर होने वाला 2,00,000 रुपए की हितग्राहियों को राशि दी जा चुकी है। 263 हितग्राहियों को भवन निर्माण के लिए 1,00,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा बिजली का और किसी ऊर्जा का लाभ मिला है जानकारी दी। अब मैं हमारे सभापति श्री इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी जून महीने में, उसमें निवास ने सर्वप्रथम अपना स्थान लिया है। मैं आप सभी को, नगर निगम को एवं समस्त जनप्रतिनिधियों को इस शुभ दिन की और इस शुभ घड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ा ही खुशी का भैया बताइए, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को जो आप किस्त बाकी की मिली है क्या कुछ पूरा विस्तार है? आज प्रधानमंत्री आवास योजना की देवास के भी हितग्राहियों को, कोई 52 हितग्राहियों को 26,00,000 रुपए करीब की तीसरी किस्त मुख्यमंत्री जी ने लाइव भोपाल से कार्यक्रम कर सिंगल क्लिक के माध्यम से आज तीसरी किस्त उनके खाते में पहुँची है। और सबसे बड़े हर्ष की और खुशी की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूर्व के जो कमिश्नर हैं विशाल सिंह जी और वर्तमान कमिश्नर जो रजनीश कसेरा जी हैं, इन दोनों को अलग अलग उपलब्धियों के लिए प्रथम पुरस्कार आज उन्होंने उनके हाथों से दिया है और ये देवास के लिए और देवास नगर निगम की टीम के लिए और सभी कर्मचारियों के लिए बड़े हर्ष की बात है। और मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आवास योजना में जिस तरीके से विशाल सिंह जी और अभी वर्तमान में हमारे कमिश्नर रजनीश कसेरा जी के साथ में जो हम लोग और भी उत्कृष्ट कार्य करेंगे और सीएम साहब की निगाह में देवास हमेशा नंबर 1 रहेगा।